स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। एक बार फिर से आप सभी लोगों को देव दिवाली की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और आइए मेरे संग हम देव दीपावली के अवसर पे आज के कार्यक्रम को देखते हैं और चीजों को विस्तार से समझते हैं। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहां एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहां जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक न्यामूर्ति नदी लाटागुड़ी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं देव दीपावली बहुत ही धूमधाम से लाल मोहन घाट, सिलीगुड़ी के लाइफलाइन महानंदा को ही माँ गंगा के प्रतीक माना जाता है, जहाँ पे हमारे तमाम माताएं बहने घाट पे इकट्ठा होकर के इस देव दीपावली कार्यक्रम को मना रही हैं। बिहारी सेवा समिति के तरफ से समस्त नगरवासियों को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख पा रहे हैं कितना आकर्षक और मनोरम यह दृश्य है। लाल मोहन घाट, महानंदा घाट, जहाँ पे प्रतिमा विसर्जन किया जाता है, ये तमाम माताएं बहनें एक साथ इकट्ठा होकर के यहाँ पे आज देव दीपावली त्यौहार को बहुत ही धूमधाम श्रद्धा समर्पण से मना रही हैं। आपको बता दें, हम यह देव दीपावली मनाने का जो विधान है हमारी भारतीय संस्कृति में, यह तब से चली आ रही है जब त्रिपुरासुर नामक राक्षस अपने अत्याचार से संसार में तबाही मचा के रखा था। उस वक्त सभी देवतागण स्वर्ग में त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए देव आदि देव महादेव पिता श्री बाबा भोलेनाथ के समक्ष पहुँचे और उनसे प्रार्थना की उनको बचाने के लिए, त्रिपुरासुर के आतंक से रक्षा करने के लिए। तत्पश्चात देव के देव महादेव पिता श्री बाबा भोलेनाथ उन सबकी रक्षा उस त्रिपुरासुर नामक राक्षस से की और तब से देवतागण प्रसन्न चित होकर के यह देव दीपावली कार्यक्रम मनाते आ रहे हैं। मणिकर्णिका घाट अयोध्या में इस पल देखे ही बनता है दृश्य, बहुत ही भव्य और सुंदर आकर्षक दृश्य। आपको देखना हो देव दीपावली का तो आप ऐसे क्षणों में अयोध्या जा सकते हैं। और अयोध्या के ही भांति अब सिलीगुड़ी शहर महानंदा घाट, लाल मोहन घाट, जहां पे प्रतिमा विसर्जन किया जाता है, वहां भी देव दीपावली को बहुत ही धूमधाम से मनाते देखे जा रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं हृदय विदारित करने वाला वह दृश्य। शारदा सिन्हा जी, जब कभी भी छठ पूजा हो और उनकी गीत ना बजे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो वो शारदा सिन्हा जी को बिहारी सेवा समिति के सौजन्य से, बिहारी सेवा समिति की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी गई है, जो मेरे पिक्चर के माध्यम से आप इस दृश्य को देख पा रहे हैं। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। क्या कहेंगे आज के अवसर पे, ये देव दीपावली के समय में आप लोग सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आपका परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। मेरा नाम निशा श्रीवास्तव है जी। देव दीपावली तो आज बहुत बड़ा उत्सव है, आज गुरु पूर्णिमा भी है, गुरु नानक जी का जन्म भी है और आज का दिन सुनते हैं कि आज हरि जो है भोले बाबा आज विष्णु भगवान से मिलते हैं और उनको उठाते हैं। आज बोलते भगवान, मैं अब दुनिया का भार नहीं संभाल पाऊंगा, अब आप अपना भार संभालिए।
तो इसलिए सब उत्सव हम मनाते हैं दीपावली को। और आज तारकासुर का वध भी भगवान ने किया था। तारकासुर या त्रिपुरासुर? त्रिपुरासुर का जी। इसलिए बनारस में देव दीपावली बोल के मनाते हैं सभी। तो पहले तो सिर्फ बनारस में हुआ था, अभी सभी जगह, सब जगह। क्या नाम है आपका? शोभा श्रीवास्तव। आपको हमारे पूरे टीम की ओर से, आप सब, आप दोनों को और तमाम यहाँ लोगों को जो भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं, सभी को देव दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे क्षणों में आप? अच्छा लगता है त्यौहार, सब हमारे हिंदू का जो भी त्यौहार, मन को प्रसन्न होता है, मतलब खुशी मिलती है। किस किस के साथ आप लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं? आज हम अपने सब फैमिली के साथ, फैमिली है, मेरी फैमिली ऊपर भी है, सबको ही है, सब एक साथ में है। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। क्या नाम है? मनीषा नारायण। कैसा लगा मनीषा जी आज आपको इस देव दीपावली में यहाँ आकर के? बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग आए हैं, दीप जलाए, आज का त्यौहार सब लोग ने मनाया है। आप सभी लोगों को देव दिवाली की शुभकामनाएं। Gangamaiya ki jai।